नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि योनो ऐप में आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स से किस हिसाब से आप योनो रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहली बार आप योनो ऐप चला सकते हैं। सबसे पहली चीज आप याद रखें, आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका एटीएम कार्ड जो कि रनिंग स्टेट में हो, मतलब आपने उससे रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हो। आपका अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो कि बैंक अकाउंट में आपने दी हुई। हो सकता है कि आपकी बैंक अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ अलग हो, तो एक बार क्रॉस चेक कर लें बैंक में जाकर। फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से योनो रजिस्ट्रेशन करेंगे एटीएम कार्ड की डिटेल्स से। आपके सामने योनो ऐप ओपन हो रही है। आपको योनो ऐप ओपन होने के साथ साथ अपना एटीएम कार्ड अपने साथ में रखना है। जो भी योनो ऐप परमिशन मांगती है वो सब आपको देना है। सारी परमिशन अलाउ करेंगे तभी योनो ऐप से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको सबसे पहले जाना है एग्जिस्टिंग कस्टमर, फिर उसके अंदर जाना है रजिस्टर्ड विथ माई एटीएम डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको आपके अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद, नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन आएगी। आपने जो मोबाइल नंबर है दिया हुआ है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट की बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद सिस्टम आपसे पूछता है कि आपको व्यू राइट चाहिए, लिमिटेड चाहिए या फुल ट्रांजेक्शन राइट चाहिए। अपना चॉइस सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी है। एटीएम कार्ड की लास्ट की 6 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको एटीएम कार्ड का पिन नंबर आपको एंटर करना है। जब आप एटीएम कार्ड का पिन नंबर एंटर कर देंगे यहाँ पर 4 डिजिट का, उसके बाद आप सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे। सिस्टम वेरीफाई करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपना यूज़र नेम डालें और जो पासवर्ड आप चाहते हैं वह डालें। थोड़ा यह याद रखिएगा कि पासवर्ड और यूजर नेम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट डालिएगा, सिंपल मत डालिएगा, सिस्टम कहीं एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप कंफर्म की बटन पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म की बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका योनो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको एम पिन सेट करने की विंडो पर ले जाएगा सिस्टम। आपको उसकी टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगली स्क्रीन पे सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप अपनी चॉइस का 6 डिजिट का एम पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नया 6 डिजिट का एम पिन डालना है। यह याद रखिएगा, यह थोड़ा डिफिकल्ट हो। और फिर नेक्स्ट की बटन पे आप क्लिक कर देंगे। आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सिस्टम में उससे आपको एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नेक्स्ट की बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद सिस्टम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दे देगा, मतलब अब आपका योनो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप बैक जाके अपने योनो पर दोबारा लॉगिन कर सकते हैं अपनी 6 डिजिट का एम पिन डाल के। और ये आपके सामने योनो की पहली स्क्रीन खुल गई, यानी कि अब आप योनो ऐप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।